नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खबर जनपद मिर्जापुर से है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश सचिव मनोनीत होने पर जवाहरलाल मौर्या का स्वागत समारोह पार्टी कार्यालय लोहिया ट्रस्ट पर रखा गया। समारोह में सभी कार्यकर्ताओं ने मनोनीत प्रदेश सचिव जवाहरलाल मौर्या का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया और उन्हें बधाई भी दी गई। प्रदेश सचिव मौर्या ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने राज्य कार्यकारिणी में सचिव की जिम्मेदारी दी है। इसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष का आभारी हूं और उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने जिम्मेदारी दी है कि उसका निर्वहन पूरी ईमानदारी से करें। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की तानाशाही रवैये के कारण देश आज खतरे में है। लगातार बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के कारण सभी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार विरोधी दलों के नेताओं के साथ बदले की भावना से काम कर रही है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने कहा कि मौर्य के प्रदेश सचिव बनने से समाजवादी पार्टी को मजबूती मिली है। आइए सुनते हैं कि प्रदेश सचिव बनाए जाने पर जवाहरलाल मौर्य अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं और जनपद मिर्जापुर के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी क्या संदेश दे रहे हैं। सर, आप लोग तो बहुत जानकार हैं, लेकिन हम समाजवादी पार्टी 1982 से छात्र नेता होते हुए, यूनियन सभा का अध्यक्ष होते हुए, जिले के उपाध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष और महामंत्री होते हैं, अखिलेश जी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष से समाजवादी पार्टी के, तब हमको भी प्रदेश सचिव बनाया गया था और उसके बाद नरेश उत्तम जी हुए हैं तब भी बनाया गया है। इस तीसरी बार हम प्रदेश सचिव बने हैं और समाजवादी पार्टी में माननीय नेता जी का हम सीट रही, माननीय मुलायम सिंह जी का। आज के डेट में कभी कोई ये नहीं कह सकता कि समाजवादी पार्टी के विचारधारा से और सामाजिक जीवन से पूरी जिंदगी बिता दिए। इसलिए समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश जी हमको कभी नहीं छोड़ना चाहते और न हम समाजवादी पार्टी छोड़ना चाहते हैं। चाहे हमको कुछ मिले ना मिले, लेकिन समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे। चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं को क्या निर्देश? लोकसभा चुनाव में जिसको टिकट मिलेगा समाजवादी पार्टी का, उसका तन मन धन से प्रचार करेंगे। आज हमारे पार्टी के सम्मानित नेता जवाहरलाल मौर्या जी को तीसरी बार प्रदेश का सचिव बना गया है। हम लोग उनका अपने लोहिया तक समाजवादी पार्टी में उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और पूरा उम्मीद करते हैं कि पहले भी थे और आप भी हैं और इनके कुशल नेतृत्व में समाजवादी पार्टी लोकसभा का चुनाव जीतेगी और सारे लोग मिल करके तन मन धन से लग करके हम लोग पार्टी का मदद करके पार्टी को जिताने का काम करेंगे।